हालेलुया। सभी भाई बहनों का फिर से एक बार खुदा और यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर आज की सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज लगभग हम गवाहों के बादल का ये 9 नंबर का आज भाग देखने जा रहे, ये 9th एपिसोड है, जिसके द्वारा परमेश्वर निश्चय मैं विश्वास करता हूँ आप भी विश्वास करते कि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी कलाम के द्वारा बहुताई से काम करेगा। आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय और वचन 1 से हमने इस विषय को शुरुआत किया है और विषय है गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। परमेश्वर ये गवाहों का बादल, ये रहस्य हम पर इसलिए उजागर करना चाहता है, उसका प्रकाशन इसलिए देना चाहता है ताकि हम हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में कभी कभी हार मान लेते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हम गिर जाते हैं, बहुत सारी जगह पर हमारा प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है, बहुत सारी जगह पर हमारा आध्यात्मिक जीवन निचले पायदान पर आ जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर परमेश्वर कहता है इस कारण शायद आपके जीवन में ऐसे कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे भाई मेरे बहन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। अगर यहाँ पे आज देखने वालों में से या जो देखेंगे उनमें से कुछ भाई बहनों को लगता होगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं अकेली पड़ गई हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे अपने होने के बावजूद मैं पराया या पराई हो गई हूं। तो उन लोगों के लिए आज शुरुआत से परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि मेरे पुत्र मेरी कन्या मेरे बच्चे तू निराश मत हो, इस कारण जो भी आपके जीवन में हुआ है उस जो भी कारण हो, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे तू घिरा हुआ है, जिससे तू घिरी हुई है, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझ। एक बड़ा जमावड़ा गवाहों के बादल का, वो गवाहों के बादल में जो है जैसे हम इब्रानी 11:4 में देखते हैं कि हाबिल बन गया, लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी गवाही के द्वारा आज भी बात कर रहा है। तो निश्चय कल तक जो परमेश्वर के महान दास प्रभु में सो गए हैं, भले शरीर की दशा में उनका शरीर मिट्टी को मिट्टी दे दिया है, लेकिन आत्मिक दशा में आज भी उनका चरित्र, उनका आदर्श, उनकी सेवा, उनके वचन, उनके प्रचार, उनकी प्रार्थना, उनका व्यक्तिमत्व आज भी हमसे बातें करता है। शारीरिक दशा में शरीर मिट्टी का था, वो मिट्टी में चला गया है, आत्मिक दशा में आत्मा एक ऐसा धन है, वो अमर है। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे कहा गया है कि गवाहों के बादल से हम घिरे हुए हैं, तो आओ, हमें आमंत्रित करते हुए कहा गया है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो हमें सियोन देश में अनंत जीवन में इटर्नल लाइफ में जो पिता के राज्य में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। और पिछले समय मैंने कहा था ये गवाहों के बादल का जो शुरुआत होता है इब्रानी 12:1 में, यहाँ पर यदि हमें गवाहों के बादल में जो लोग है, जो परमेश्वर के महान सेनानायक है, जो परमेश्वर के विश्वास के महावीर है, प्रार्थना के महावीर है, पवित्रता के महावीर है, अद्भुत काम करने वाले महावीर है, यदि वो हमसे बात करे, उसके लिए 3 बातें के ऊपर हमें ध्यान देना है। नंबर 1, देखो ये आज तुम्हारे सामने भले गम के बादल हो, भले डर के बादल हो, हालात ऐसे बिगड़ी हुई है, उन बातों को मत देखो। परमेश्वर चाहता है इन सब बातों को बाजू में करो और देखो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। नंबर 1, देखो, फेंको और दौड़ो, ये 3 बातें हैं, ये 3 क्रियाएं हमको गवाहों के बादल से, ये इब्रानी का जो लेखक है वो आज हमें अगुवाई कर रहा है। अब वो कहता है कि गवाहों के बादल से यदि आपसे नू बाबा बात करे तो आपके लिए वही नियम है कि आपको हालात को नहीं देखना है, हालात को बदलने वाले परमेश्वर को देखना है।
आपको आपके जीवन में जो बीमारी आए बीमारियों को नहीं देखना है, बीमारियों में से चंगा करने वाले परमेश्वर को देखना है। आपके जीवन में जिस कब्जे में आप डूबे हुए हो उन कब्जों को देखना नहीं है, तो मेहनत करते विश्वास से कदम बढ़ाते हुए मुझे बरकत देने वाले परमेश्वर की ओर ताकना है। इसलिए यदि इस दो वचन को हम पढ़ेंगे इब्रानी 12:2 में यहाँ पे यही बात दी है और ऐसा लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, विश्वास के कर्ता, हमारे मराठी बाइबल में दिए विश्वास का उत्पादक, मतलब विश्वास को उत्पादन करने वाला हमारा यीशु। हमारे भीतर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं उत्पादन करता है, तो खुद ब खुद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे भीतर विश्वास को उत्पादित करता है। और ऐसा लिखा है इब्रानी 12:2 में विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आज आपके जीवन में आप कौन सी चीज को ताकते हो? आपकी समस्याओं को? दिन रात कुछ लोग अपनी समस्या, अपनी उलझन, अपनी परेशानी और कुछ लोग अपने अपमान की ओर ताकते रहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों बढ़ता हुआ। कुछ लोग अपने साथ जो धोखाधड़ी होती है, कुछ लोग अपनों के साथ वहां पे गद्दारी करके जाते हैं, विश्वासघात करके जाते हैं। कुछ लोग ये बातें भूल नहीं पाते, वो लोग उसी बात पे दिन रात सोचते रहते, भाई कहां पर कम पड़ा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे आपको बताना है, आपके आसपास शायद आपके खिलाफ रचा गया साजिश का बादल होगा, शायद आपके खिलाफ किया हुआ वो विश्वासघात का बादल होगा, शायद हालात की वो डरावनी परिस्थितियों में डरावने काले बादल होंगे, लेकिन सारे बादलों को यीशु मसीह के नाम से उन्हें आज्ञा दो, निकल जाओ मेरे राह से, निकल जाओ मेरे जहन से, मेरे दिमाग से, क्योंकि मैं गवाह हूं कि ऐसे बड़े बादल से घिरा हूं या घिरी हूं जिसमें से अब्राहम मुझसे बात करता है, सारा मुझसे बात करती है, यहोशु बात करता है, दाऊद बात करता है, भले शारीरिक दशा में अब्राहम, इसाक, याकूब, सारा, राहेल, भले शारीरिक दशा में वो हेब्रोन में मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन आत्मिक दशा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो गवाहों के बादल से हम हाबिल का जीवन देख चुके, उसके बाद हमने नूह बाबा का जीवन देखा, हनोक का जीवन देखा, और अभी गवाहों के बादल से हम इब्राहिम का जीवन देखने जा रहे हैं। इब्राहिम बाबा हमसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज इन दिनों में परमेश्वर हमें इन सब हस्तियों के द्वारा, ये साधारण लोग नहीं है, इन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया है, इन्होंने कायनात को अपने अस्तित्व को बदलने के लिए मजबूर किया है, ये ऐसे लोग हैं। अब ये गवाहों का बादल कहां पर है? तो इब्रानी का 11:11 ये गवाहों का बादल है, जिसकी शुरुआत पिता परमेश्वर से होती है, हाबेल से लेके कल तक जो प्रभु में शहीद हुआ है या प्रभु में सो गया है या सो गई है, उस व्यक्ति तक हमें मार्गदर्शन करता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए, हमें फिर से एक बार वचन कहता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप और हम घिरे हुए हैं, तो उलझाने वाली, यहाँ पे दिया है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, इन्हें दूर करते हुए वह दौड़, हमें हर हालात में उद्धार के बाद दौड़नी है, वो पवित्रता की दौड़, वो धर्मी जीवन की दौड़, वो विश्वास योग्य दौड़, हमें इसलिए दौड़नी है ताकि यही धीरज की दौड़, ये रफ्तार वाली दौड़ नहीं है, ये दुनिया के तरीके से फास्ट रेस नहीं है, जैसे उस रफ्तार से लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग सेवकाई में भी रफ्तार पकड़ रहे। अब जो जितना रफ्तार से, आपको पता है कि हम बचपन से सुनते आए वो कछुए का और वो खरगोश की जो कथा है, जो कछुआ धीरे 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 से दौड़ रहा था, खरगोश अपने ताकत और अपनी दौड़ को देखकर वो आगे चला गया और आगे जाके हरी भरी घास खा लिया, और उसको लगा कि कछुआ कब आने वाला है, हरी भरी घास खाकर वो थोड़े समय के लिए उस घास के पास सो गया, कछुआ कब उसको ओवरटेक करते हुए उसके आगे चला गया और कब जीत गया खरगोश को पता नहीं चला। आज बहुत सारे लोग खरगोश के समान अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा, अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपनी पर्सनालिटी, उसके आधार पर रफ्तार से दौड़ना चाहते, लेकिन इतिहास गवाह है ऐसे ही टैलेंटेड लोग अपने जीवन में गिर गए हैं, लेकिन धन्य वे लोग
भले वो मूर्ख है, लेकिन ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उन मूर्खों का इस्तेमाल किया। भले वो दुर्बल और शायद कमजोर है, बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने धीरज की दौड़ दौड़ी। आज ये धीरज की दौड़, जिसे संतुलित दौड़ कहा जाता है, एक बैलेंस रेस कहा जाता है। आपको फास्ट रेस दौड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, आपको एक बैलेंस से, भले आपके पीछे से कुछ लोग आगे जा रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहता हूं, आपको लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। उसके आगे भी कहना चाहता हूं, आपको लेट मिलेगा लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आपको दुनिया को देखकर अपनी दौड़ बढ़ानी नहीं है, तो आपको यीशु मसीह को देखकर, उसके वचन को देखकर, गवाहों के बादल को देखकर, मतलब देखो रोकने वाली वस्तु कौन सी मैं बता चुका हूं, अभी मैं उस पर रिपीटेशन नहीं करूंगा। और जिसको इस विषय के ऊपर अध्ययन करना है, वो सत्संग मिलन पेज पर सारे एपिसोड पड़े हुए, या जिसको डायरेक्ट संदेश सुनना है एडिटेड, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पास्टर राजू ठाकुर यदि टाइप करते हो तो आपको वहां पर भी ये मैसेजेस, बहुत सारा वचन का भंडार है उसमें, लगभग 550 से अधिक संदेश मैंने अपलोड किए वहां पर। जितना सुन सकते हो सुनो, जितना ले सकते हो ले लो। तो इसका मतलब, यदि आपके जीवन में एक विश्वास योग्य जीवन जीना है, तो आपको देखना है हालात को नहीं, बीमारी को नहीं, अपमान को नहीं, आपकी कोई निंदा को नहीं, आपके साथ हुई गद्दारी नहीं, आपको लोगों को नहीं, तो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, जो गवाहों के बादल में हमें दिखता है, और उसके विश्वास के महावीर हमें दिखते हैं। शायद पिछले साल तक बिली ग्राम भी थे, जो पिछले साल तक रेनॉल्ड बोंके है, डीजे दिनाकर अंकल है, ये भी गवाहों के बादल में मौजूद हो, वो आज भी हमसे बात कर सकते हैं। यदि हाबेल हजारों साल पहले से बात कर रहा है, तो आज ये परमेश्वर के दास भी हमसे बात करेंगे। लेकिन वो बात कब करेंगे, वो आपको आत्मा में अगुवाई कब करेंगे, उसके लिए आपको देखना है इन आंखों से नहीं, तो आपके अंतचक्षु, जिसे कहा गया है आत्मिक आंखें कहा गया है, उन्हें खोलने की जरूरत है। इसलिए दुनिया के लिए आंखें बंद करो, खुदा के लिए आंखें खोलो। खुदावन जरूर गवाहों के बादल से जैसे आपकी जरूरत है, शायद दानियल के समान आप एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हो, शायद दाऊद के समान आपके जीवन में बड़ी तकलीफों से आप गुजर रहे हो, आपसे दाऊद बात करेगा, आपसे दानियल भी बात करेगा। एक विजन की दुनिया है, एक दर्शन की दुनिया ये गवाहों का बादल है। उसमें आप कितना आपका जोर लगाकर, जितना आप समर्पण करोगे, उतना आप गहराई में चलते जाओगे। इसलिए गवाहों के बादल को देखो और फेंको। क्या फेंको? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को फेंको और फिर दौड़ो। तीन क्रियाएं, देखना, फेंकना और दौड़ना। कौन सा दौड़ना? दिवस से दौड़ना। आमीन। तो ये परमेश्वर के महान महान दास, इन्होंने धीरज की दौड़ दौड़ी और उनके जीवन में वो सिद्धता तक पहुंचे। मैं हमेशा इब्राहिम बाबा के जीवन से हमेशा कुछ बातों को मैं हमेशा उजागर करता हूं। उसमें से पहली बात यह है कि इब्राहिम बाबा अपने जीवन में हालात बदले या ना बदले, लेकिन वो लगातार, जिसे इंग्लिश में शब्द बताया जाता है कंसिस्टेंसी, इब्राहिम बाबा ने अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे जो लगातार चलने का अनुभव है उसको खोया नहीं। इसलिए वो लगातार चलते गया, जिसे कंसिस्टेंसी कहा जाता है। इसलिए वो अलग अलग जगह पर वेदियों को बनाकर वहां पे वो अपने जीवन का समर्पण करता था, और इसी समर्पण के द्वारा उसके अंदर, वो डेडिकेशन के द्वारा, वो तीसरे पायदान पर रहता था इब्राहिम बाबा। वो मतलब उसके अंदर एक खराई पैदा हुई, जिसे इंग्लिश में अपराइट पर्सन कहा जाता है। अब वही अपराइट जीवन के द्वारा या खराई के जीवन के द्वारा बाइबल कहता है कि अब्राहम बाबा सिद्ध हो गया। हालेलुया। अब ये सिद्धता पाकर अब्राहम बाबा धीरज की दौड़, रेस, पेशेंस का रेस वो दौड़ने लगा, रेस ऑफ पेशेंस वो दौड़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के जीवन में हमें दिखाई पड़ता। तो आइए, गवाहों के बादल में हमने हाबिल को देखा, हनोक को देखा, लू बाबा को देखा, अभी चौथा व्यक्ति है इब्राहिम बाबा। क्या बता रहे गवाहों के बादल से, तो आइए उस पर अपना ध्यान बटाते हैं। थैंक यू जीसस। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 8 से लेके मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया
तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कि जिसे विवास में लेने वाला था। परमेश्वर ने बोला और वो विवास में लेने के लिए निकला। विवास में कौन लेता है? आपको कहा गया, समझो आपके, आप यदि मऊ में रहते हो या इंदौर में रहते, अब आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर, जो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर आपके पुरखों की कुछ जमीन है, तो आपको विरासत में लेना है, मतलब कब्जे में लेना है। तो आपको पता है जमीन बॉर्डर के पास है, थोड़ी बहुत हमें तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक्चुअली, अभी तो बहुत एडवांस दुनिया हो गई, आपको जीपीएस मिलता है आजकल। इन दिनों में किसी का पता ढूंढने की तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इतनी एडवांस दुनिया हो गई है। जो वो कहता है मुझे लोकेशन भेज दो, मुझे लोकेशन भेज दो, आपका करंट लोकेशन भेज दो, अभी पता बताने की जरूरत नहीं है। वो जीपीएस, वो लोकेशन उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। लेकिन अब्राम बाबा के पास कोई नक्शा नहीं था, अब्राम बाबा को यह नहीं पता था कि कहां जाना है, अब्राम बाबा के पास कोई करंट लोकेशन नहीं था, लेकिन बताया गया है, उसको पता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है उस जगह को मिरास में लेने के लिए वो निकल चढ़ा, और बाइबल कहती है वो ये न जानता था कि किधर जाता हूं, बाइबल कहती तो भी निकल पड़ा परमेश्वर के पीछे। यदि परमेश्वर आपको कहता है मेरे पुत्र मेरी कन्या क्षमा मांगने के लिए निकल पड़, तो निकलो, क्षमा करने के लिए निकल पड़ तो निकलो। किसी के ओर से कुछ समय के लिए परमेश्वर कहता है कि इग्नोर कर, शायद वो व्यक्ति के द्वारा तकलीफ हो रही, वहां से निकल पड़, शायद उस जगह को छोड़ दो, वाद विवाद में गिरने से अच्छा उस जगह को छोड़कर अपनी शांति का नाश नहीं होना चाहिए। दुष्ट बहुत ही शातिर है, वो आपके भीतर उद्धार के द्वारा जो स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय शांति है, वो आपके जीवन के आनंद को चोरी करना चाहता है और आपकी शांति का नाश करना चाहता है। और यदि शांति का और आनंद का, आनंद की चोरी हो गई, शांति का नाश हो गया, तो निश्चय ही हमारे अंदर जो पुनरुत्थान की आशा है, उस आशा की हत्या होती है। चोर आया है चोरी करने आनंद का, नाश करने शांति का, और हत्या करने आशा का। इसलिए जब आशा की हत्या हो जाती है, तब निराशा का जन्म होता है, और जब निराशा आ गई तो इंसान प्रभु के मार्ग से कोसों दूर चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशा का दाता है, और वो नहीं चाहता कि हम लोग निराश हो जाए। अब्राम के जीवन में एक बेहतरीन बात है कि उसके जीवन में वो निराश नहीं हुआ, उसने आशा नहीं छोड़ी। उसको पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे किधर लेके जा रहा है, लेकिन वो निकल पड़ा। चलो आगे क्या कहता है वचन, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में, यहां पे देखो, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर याकूब, इसाक, इसाक और याकूब जो उसके साथ थे, उसके समेत थे, उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। अब्राम, इसाक, याकूब, ये लोग पक्के घर में वास नहीं किया। परमेश्वर का संदूक भी एक समय तक, दाऊद राजा होने तक तंबुओं में रहता था। मूसा के जमाने से लेके शाऊल के जमाने तक परमेश्वर का संदूक तंबुओं में वास करता, लेकिन जब दाऊद राजगद्दी पे आया तब उसने निर्णय लिया, और दाऊद के संतान राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के संदूक मतलब चर्च का निर्माण हो गया। आमीन। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि वो प्रतिज्ञा के वारिस थे, लेकिन फिर भी वो पक्के घरों में नहीं थे, तो वो तंबुओं में वास कर रहे थे। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि ये तंबुओं में वास करना हमारे आत्मिक जीवन को क्या दर्शाता है, हम भी इस तंबू में, शरीर में। इसलिए ये तंबू कभी भी तोड़ा जाए, कभी भी मिटाया जाए, ये तंबू कभी भी खत्म हो जाए, लेकिन हमारा पक्का घर जो यीशु मसीह योहन्ना 14:1 में आगे गया है बनाने के लिए, उस पक्के घर में हमारी रूह, हमारा आत्मा रहने के लिए जाएगा। आमीन। तो इस तंबू के लिए कितना भी करो, इस तंबू को कितने भी बेहतरीन कपड़े पहनाओ, इस तंबू को कितना भी बेहतरीन खाना खिलाओ, कितने भी बेहतरीन कॉस्मेटिक लगाओ, ब्यूटी पार्लर में लेके जाओ, कितनी भी वर्जिश करो, कितनी भी अच्छी बॉडी बनाओ, कितने भी अच्छे गहने पहनाओ, ये तंबू से कुछ लाभ नहीं है। ये पता था अब्राम, इसहाक और याकूब को तंबू से कुछ लाभ नहीं है, तो वो अपना ध्यान ऊपर के पक्के घर की ओर लगा रहा था, जहां पर उस देश की ओर वो ध्यान लगा रहा था जिस देश में उन्हें जाना है।
आपको और मुझे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हम इस संसार में यात्री है, हम इस संसार के नहीं है, हमें संसार से खुदा ने अलग कर दिया है। हमारी धीरज की दौड़ जिसमें हमें हर हालात में दौड़ना है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी। तो अजी जो यहाँ पे मन मत लगाओ, मैंने जैसे कहा पिछले एपिसोड में, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया होगा कि हम लोग केवल कब्रिस्तान में वो गीत गाते, रहना नहीं है यहाँ, जाना है वहां वहां, परदेश से हमें यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये केवल कब्रिस्तान का गीत नहीं है, मुर्दे को दफनाने वाला गीत नहीं है, मिट्टी को मिट्टी देने वाला गीत नहीं है, ये हमारे रोज की जीवन का गीत है। इस सियोन देश में आपको और मुझे जाना है, उस आत्मिक देश में आपको और मुझे जाना है, परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे जाना है। तो देखो गवाहों के बादल की ओर और फेंको रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को, और दौड़ो धीरज से, निश्चय आप उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाइए। आमीन। आज ऐसे प्रचार खत्म हो गए, रोटी कपड़ा मकान तक आज के संदेश आके खत्म हो जाते। आज तुम्हें क्या मिलेगा, यही बातों के ऊपर आपको आकर्षित किया जाता है। लेकिन मैं आपको, ये दुनियादारी की बातें तो आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि यदि आप मेरे धर्म राज्य की खोज करोगे तो सारी बातें आपके दरवाजे के कदम चूमेंगे। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस बात की चिंता मत करो, ये बातें तो अन्य जाति करती है। आप प्रथम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, ये सारे खाने पीने और पहनने की बातें आपके दरवाजे के कदमों को आकर चूमेंगी, आपकी चौखट को चूमेगी और कहेगी ये ले लो, खुदावन ने भेजा है। आज लोग उल्टा कर रहे, धर्म राज्य को छोड़ दिया है और रोटी कपड़ा मकान और सारी धन दौलत और भौतिक बातों के पीछे आज बहुत सारे भौतिकवादी प्रचारक हो गए। वो केवल कलीसिया को भौतिकता में फंसाए रखे। यदि आप और मैं इन भौतिकता से बाहर निकलकर यदि आत्मिकता की ओर अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चय हमें गवाहों का बादल दिखेगा, गवाहों के बादल के अंदर परमेश्वर के महान सेनानायक दिखेंगे। और जब आपके जीवन में ऐसी कोई रोकने वाली वस्तु होगी, उलझाने वाला पाप होगा, आप दाऊद का जीवन देखकर, आप मिस्र में रहने वाले यूसुफ की पवित्रता देखकर, आपके जीवन में सारी बातों को फेंक दोगे। आप जो धीरज की दौड़, जो इब्राहिम बाबा, जो इसहाक, जो याकूब, जो दानियल, जो पौलुस, जिन्होंने वो दौड़ दौड़ी, वो दौड़ में आप भी शामिल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। आगे चलते, क्योंकि वह उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। इब्राहिम बाबा की बात क्या अनोखी है। इब्राहिम बाबा ने कभी कोई नगर नहीं बनाया, कोई दीवार नहीं बनाई, कोई किला नहीं बनाया, कोई राजमहल नहीं बनाया, लेकिन इब्राहिम बाबा को परमेश्वर ने इतने बहुतायत से ब्लेस किया था, इतने आशीष दी परमेश्वर ने, इतना धन दौलत उसके पास था, वो कब्रिस्तान खरीद करता था। आज कब्रिस्तान की 4x6 की जगह के लिए भी लोग पैसा नहीं दे पाते। अभी कुछ दिनों के बाद बिना पैसे के दिए बिना किसी को अपना डेड बॉडी वहां पे दफनाने को नहीं मिलेगा, नहीं तो बोल देंगे म्युनिसिपैलिटी को दे दो, वो जला देंगे। एक हालात आ, क्योंकि जमीन ही नहीं बच रही है। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो, मतलब अब्राहम बाबा, वो स्थिर नींव वाले, स्टेबल फाउंडेशन कहा जाता है उसको, स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। आज तक ऐसा कोई नगर स्थिर है क्या? हम देखते हैं कि 1000 साल पहले का किला, 2000 साल पहले का किला, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नींव, कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन हिल रहा है। फिर ये स्थिर नगर कौन सा है? वो स्थिर नगर वही आपका और मेरा सियोन देश, जहां हमें जाना है। आगे लिखा है, क्योंकि उस नगर की वो बाट जोता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। आज मैं इन बातों को बताकर यहाँ पे रुक जाऊंगा कि अब्राहम और सारा, उनके जीवन में भले ही, जैसे स्तिफनुस का संदेश हमने देखा प्रेरितों के किताब के 7वें अध्याय से आगे, कि कैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जिस देश में भेजा वहां पे कदम रखने के लिए भी उसकी खुद की जगह नहीं थी, फिर भी अब्राहम विश्वास से निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने यह जान लिया था। कैसे जान लिया होगा, आपको क्या लगता होगा कि अब्राहम ने यह जान लिया था कि मेरा नगर या मेरा मिरास जो देश परमेश्वर ने मुझे बताया है वहां लेके जाएगा कनान में, मेरा मिरास वो नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि
अब्राम बाबा स्वर्गदूतों के साथ दावत करता था, अब्राम बाबा यीशु मसीह के साथ बातें करता था, और ये सारे ऊपर से आते थे। वो देखता था ये सारे ऊपर से आते थे, ऊपर जाते थे, और इसलिए उसने समझ लिया क्योंकि ये सब ऊपर से आने वाले मेरे पास ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते, उनका काम होगा कि फटाक से निकल जाते। तब उसने समझ लिया था यहाँ पे हमारा कोई पक्का नगर नहीं है, एक ऐसा स्थिर नींव रखने वाला एक ऐसा नगर है, ऐसी यरूशलेम नगरी जो ऊपर परमेश्वर, जो ऊपर का यरूशलेम अब्राम को पता चला। इसलिए उस दिन से वो प्रतिज्ञा के देश में तो आया, तंबुओं में रहा, लेकिन उसकी दृष्टि उस जमीन पर नहीं थी। उसने तो जमीन खरीद ली, उसने तो जब बड़ी लूट उसके पास आई थी, जब उसने उसका भतीजा जो है भतीजे को उसने जब छुड़ाया उन राजाओं की केस से, एक बड़ा धन लेके आया था, लेकिन उसमें से उसने एक टुकड़ा भी नहीं लिया क्योंकि उसको पता था कि मेरी धन दौलत यहाँ नहीं है। तो इसी बात को लेकर मैं थोड़ा सा आपको एक आगे का महत्वपूर्ण वचन, अगर गवाहों के बादल में आप कहेंगे आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है अब्राम के जीवन से या सारा के जीवन से, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, और वो है इब्रानी का किताब 11 अध्याय और वचन 16। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, गौर से सुनिए। 16 पढ़ने से पहले मैं 14 से पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मुझे क्या कहना है। सुनिए इब्रानी 11:14-16, ये तीन वचन में पढ़ने जा रहा हूं जिसमें से 16 वचन मुख्य है कि अब्राम बाबा ने वो स्थिर नींव वाला नगर जिसकी वो बाट जोता था, जिसका रचनाकार या उसका बिल्डर या उसका आर्किटेक्ट खुद परमेश्वर है, कौन से नगर के बारे में देखकर चल रहा था और उसके द्वारा उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो आइए 14 वचन से पढ़ता हूं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, किसकी खोज में, स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। इसका मतलब क्या, अब्राम यीशु मसीह के पीछे या वापितों के पीछे चल रहा था, लेकिन 24 साल बीत गए थे, लेकिन प्रतिज्ञा की जो संतान के बारे में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा का प्रतिफल तब तक नहीं मिला था, वो नहीं मिला था। और ऐसा कहने का मतलब है, आप थोड़ी मेरी बात को समझो, यदि वो संतान और जो मिराज की जगह, जो देश जहां तक तेरी दृष्टि जाएगी वहां वो पूरा तेरा हो जाएगा, यदि उसका गंतव्य या उसका लक्ष्य वो जमीन और वो संतान होती, तो बाइबल यहाँ पे 15 वचन में कहता है कि यदि केवल उसके लिए यदि अब्राम बाबा परमेश्वर के पीछे चल रहा है तो उसको वो ना मिलने के बाद उसे अपना देश मेसोपोटामिया कसदियों का ऊर वहां पे लौटने का सुअवसर था, लेकिन वो लौटा नहीं। अब्राम एक ऐसा पक्का विश्वासी है ना, उसको पता है नो टर्निंग बैक। एक गीत हम गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, क्रूस मेरे आगे दुनिया है पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, cause is before me, world is behind, no turning back, no turning back। अब्राम बाबा यीशु मसीह का ऐसा विश्वासी, कट्टर विश्वासी है ना, उसको लौटने का अवसर था, लौटने के लिए कारण था, 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा, उसके बावजूद वो पीछे नहीं लौटा। हमारे कुछ लोग कुछ समय के बाद हालात नहीं बदल रही है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, परिस्थितियां नहीं बीत रही है, क्यों वो लोग लौटते पता है, क्योंकि उन्हें आज के जमाने के सेवक और सेविकाओं ने उन्हें रोटी कपड़ा मकान तेल पानी चंगाई भविष्यवाणी सभी बातें पैसा धन दौलत इन्हीं बातों में उलझा के रखा है। जब इन बातों के वो आदि हो जाते हैं और ये बातें कुछ समय के बाद मिलती नहीं है तो उसके बाद ये लोग गिर जाते हैं। लेकिन यदि हम हमारे लोगों की नींव
स्वर्गीय सियोन देश के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर हमें जाना है, वहां जाने के लिए तैयारी की बातें करेंगे, तो उनके जीवन में चमत्कार हो या ना हो वो मायने रखते नहीं है। वो धीरज की दौड़ गवाहों के बादल को देखकर, रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को फेंक कर वो धीरज की दौड़ दौड़ते रहेंगे। फिर हालात बदले या ना बदले, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। तो उन्हें लौटने का अवसर था, कारण भी था, सारा बूढ़ी होती जा रही थी, 90 साल की होगी, उसका मासिक धर्म बंद हो गया, कैसे क्या होगा, लेकिन वो लौटे नहीं, क्योंकि वो कनान देश के नगर की इंतजार नहीं कर रहे थे या केवल इसाक का इंतजार नहीं कर रहे थे, उन्हें पता है ये जो स्वर्गदूत ऊपर नीचे कर रहे, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां की तैयारी करनी है, आमीन, हालेलुया। अभी सुनिए 16 वचन क्या कहता है, पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। मेरा सवाल है आज कलीसिया को, आप किस बात के अभिलाषी हो? अभिलाषी को कुछ लोग समझ नहीं पाते, लालची, लोभी, आप कौन सी बात के लालची हो, दुनियादारी के या स्वर्गीय देश के? मुझे आपको बताना है, हम गीत गाते हैं, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम। लेकिन ये गीत गाना अच्छा है, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में मैं स्वर्गीय देश का अभिलाषी हूँ? क्या मैं, कुछ लोग तो अमेरिका देश के अभिलाषी है, कुछ लोग वीजा के लिए जा रहे, प्रार्थना करो वीजा मिल जाए, मुझे उस देश में जाना है, मुझे पैसा कमाना है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि आप प्रथम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो या अमेरिका या कनाडा या जो भी यूके, दुबई, कुवैत, उन देश के अभिलाषी हो? आप कौन से देश के अभिलाषी हो? जिस देश में आपको मुझे जाना है वो सियोन देश के अभिलाषी हो, तो उसके लिए गवाहों के बादल को देखो, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु को फेंको और धीरज की दौड़ दौड़ो, जो दौड़ इब्राहिम बाबा सारा ने दौड़ी है। यहाँ पर बाइबल कहती है, इन दोनों को दर्शाया गया है, दोनों को पकड़ कर बताया गया है, ऐसा कहा है कि पर वे, वहां पे लिखा है पर वे, मतलब अब्राहम और सारा के बारे में बताया गया है, अब उनके बारे में कहा गया है पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए गौर से सुनो, मैं बहुत ब्लेस होता इस वचन के द्वारा, इसीलिए उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। ये कितनी फक्र वाली बात है ना, सीना चौड़ा हो जाता है सुनकर, सर ऊंचा उड़ जाता है। वाह, हर एक बाप अपनी संतान का, अपने बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का बाप होने का जब लज्जाने का समय आता है ना, वो बाप संसार में सबसे दुखी रहता है। यदि संतान इस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद करती है दुनियादारी की बातों से, आजकल हमारे मसीह लड़कियां बिंदास इंटरकास्ट मैरिज कर रही है, बिंदास किसी का भी हाथ पकड़ के चली जा रही है, मॉडर्न स्टाइल है, अब फास्ट फूड के जैसा, एक महीना पहले शादी होती है, दो महीने के बाद डिवोर्स के लिए चले जाते। कौन सा बाप है जो इन बातों से अपने आप को फक्र महसूस करेगा? हर एक बाप इन बातों से लज्जित हो जाएगा। लेकिन अब्राहम आज हमें गवाहों के बादल से क्या बातें बता रहा है, वाओ, सारा माँ गवाहों के बादल से क्या बात बता रही है कि मैं और मेरा पति, सारा माँ कह रही है कि हम उस कनान देश के अभिलाषी नहीं थे, हम इसाक की संतान के अभिलाषी नहीं थे, हम उस स्वर्गीय देश के अभिलाषी, इसीलिए परमेश्वर उनका, मतलब अब्राहम और सारा का परमेश्वर कहलाने में उसे नहीं लज्जाता। इसीलिए तो परमेश्वर की पहचान पुराने नियम में क्या होती है, अब्राहम इसाक और याकूब का परमेश्वर, जिसमें पहला नाम आता है अब्राहम। क्यों? मेरा सवाल है आजीजो, थोड़ा सोचने वाली बात है, क्या आपके व्यक्तिमत्व से, आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके आत्मिक जीवन से, क्या आपका परमेश्वर आप पर फक्र करता है? क्या परमेश्वर को लज्जित होने वाला जीवन मैं और आप जीते? यदि आप मुझे पूछेंगे
क्या आपके जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, तो यह वचन 16 गवाहों के बादल में एक निचोड़ यदि आप निकालोगे तो यह निचोड़ है गवाहों के बादल का, कि मैं चाहता हूं कि जैसे उस जमाने में परमेश्वर का महान विश्वास का सेना नायक सेनापति और उसकी पत्नी, वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, उनके पास बहुत सारे अवसर थे, पीछे लौटने का कारण भी था, 24 साल बीत गए लेकिन हाथ में कुछ नहीं था, अपना मुलुक छोड़कर वो आए थे, उन्हें लौटने का अवसर था लेकिन वो लौटे नहीं, क्योंकि वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। इसके लिए जो स्वर्गीय देश का अभिलाषी होता है ना, आज भी परमेश्वर उस पर फक्र महसूस करता है। यदि उस जमाने में अब्राहम बाबा आज गवाहों के बादल से, सारा माँ गवाहों के बादल से हमें बता रही है, मेरे बच्चों ऐसा जीवन जियो उस इस देश के लिए नहीं, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, अच्छे भविष्य के लिए नहीं, तो स्वर्गीय देश में, सियोन देश में जाने के अभिलाषी बनो, क्योंकि यही बात स्वर्गीय पिता को भाती है, जिस पर पिता उस जमाने में हम पर फक्र करता था, इस जमाने में आप पर फक्र करना चाहता है। मैं बहुत ब्लेस होता हूँ इस वचन को पढ़ता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं आपके आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मेरा आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य यही इब्रानी 11:16 है कि मेरा जीवन ऐसा हो कि मेरा परमेश्वर पिता अपने पुत्र में होकर और आत्मा में अगुवाई में जब मेरी ओर देखे तो मेरे जीवन से वो फक्र महसूस करे, ना कि उसे शर्मिंदगी हो और दोष लगाने वाला लूसीफर उसे दोष लगाए कि तूने राजू ठाकुर का चुनाव करके एक गलत निर्णय लिया है, एक व्यक्ति मेरे कारण सर उठाए और दूसरा व्यक्ति मेरे कारण सर झुकाए, लूसीफर मेरे कारण सर झुकाए और मेरा उद्धार करता मेरे कारण फक्र से सर उठाए, ऐसा जीवन मेरा हो। इब्रानी 11:16 मैं जब भी सोचता हूं, पढ़ता हूं और मैं जब भी प्रार्थना में, प्रभु शायद मैं कुछ बातों में अधूरा हूं, कुछ बातों में कमजोर हूं, शायद कुछ बातें अभी तक मैंने हासिल नहीं की है, लेकिन प्रभु मैं वह अनुग्रह चाहता हूं कि प्रभु जैसे तूने अब्राहम बाबा और सारा माँ पे वो फक्र महसूस किया ना, मैं चाहता हूँ हे प्रभु मेरा जीवन मेरे परिवार को देखकर तू फक्र महसूस करे, ऐसा आपका मेरा जीवन हो। मैं कुछ मांगता नहीं हूँ प्रभु को, कुछ जरूरत नहीं मांगने की, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि उस पिता ने यदि अपने पुत्र का खून का आखिरी कतरा भी रखा नहीं, सब कुछ दे दिया है, तो मेरी जरूरत है कचरा है, कूड़ा कचरा है, वो मेरी जरूरत नींद में भी पूरा करेगा, ऐसा मेरा परमेश्वर है। मुझे ये दुनियादारी की बातें मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मांगता हूँ कि गवाहों के बादल से अब्राहम बाबा और सारा माँ जिनके प्रति इब्रानी 11:16 कहता है कि उनका परमेश्वर होने से परमेश्वर लज्जाता नहीं, वो स्वर्ग में बोलता होगा लूसीफर तो नीचे ही गिरा गया था, लेकिन गैब्रियल को बुलाता होगा, मिखाइल को बुलाता होगा, सारे स्वर्गदूतों को बुलाता होगा, करुबीम को बुलाता होगा, कहता होगा देखो 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 नीचे, ये है मेरी संतान जिसको मैंने सृष्टि में बनाया, ये है मेरा बेटा अब्राहम, ये है मेरी बेटी सारा जिस पर मुझे फक्र है, उन्हें लौटने का अवसर था, घर जाने का अवसर था, क्विट करने का अवसर था, पीछे हटने का अवसर था, उस मिशन को बीच में से छोड़ने का अवसर था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो कनान देश या वो आशीष संतान के अभिलाषी नहीं थे, तो वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। इसलिए सुनो सुनो गब्रियल, सुनो सुनो मिखाएल, इनका परमेश्वर होने से मुझे शर्म नहीं आती है, तो बल्कि मुझे फक्र महसूस होता है कि इन लोगों को, एक मूर्ति बनाने वाले को मैंने चुनकर कोई गलती नहीं की, ऐसा आपके और मेरे बारे में परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूत के साथ वार्तालाप करे, ये मेरी इच्छा है। ये तो दुनिया की बातें तो है, किसी को भविष्यवक्ता को आपका जन्मदिन दिख रहा है, किसी का मरण दिन दिख रहा है, आपका भविष्य दिख रहा है, ये सारी बातें यहीं पे रहेगी कूड़ा कचरा, लेकिन ये गवाहों के बादल की ये बेहतरीन बात आपको और मुझे, परमेश्वर जब हमें शरीर में अभी देख रहा है लेकिन जब उसके राज्य में पिता के सामने आएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि पिता के चेहरे पे वो मुस्कुराहट आए कि वाह मैंने इन लोगों को चुनकर कोई गलती नहीं की, और परमेश्वर कहेगा देखो ये है, ये अभी आया, जब अब्राहम और सारा जब परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन खत्म करके गए होंगे ना, एक बड़े जय जयकार के साथ, बड़े जल्लोश के साथ, बड़ी शहनाई बजे होंगे, बड़े नगाड़े बजे होंगे, एक बड़ा शाही स्वागत हुआ होगा, क्योंकि ये लोग हैं जिनसे परमेश्वर लज्जाता नहीं था, तो उनसे परमेश्वर फक्र महसूस करता था।
आपको मेरी बात शायद थोड़ी बचकानी लगती होगी, लेकिन ये मैं सोच से चलता हूँ। मैं कोई बातों में नहीं बढ़ा, मुझे चाहता हूँ प्रभु, इब्रानी 11:16 के अनुसार मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे बारे में भी तेरी सोच ऐसी हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति से। उसके पुत्र के बलिदान उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इन जिन दिनों में हमारे लिए पुत्र का बलिदान हुआ है। उसके पुत्र का बलिदान अपनी गलतियों की वजह से व्यर्थ मत होने दो। परमेश्वर को फक्र महसूस हो कि इस व्यक्ति के लिए मैंने मेरे पुत्र का लहू बहाया है, मेरे पुत्र को सूली पे चढ़ाया है, उसने उसके पुत्र को उसके कृपा को व्यर्थ होने नहीं दिया है। मुझे फक्र है कि ये लोग दुनियादारी के देश की अभिलाषी नहीं है तो ये स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। मेरे और आपके माथे पे वो टैग लगना चाहिए, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं स्वर्गीय देश का अभिलाषी हूं। सिर्फ गाने गाकर नहीं होने वाला, ये हमारे व्यक्ति का जीवन से हमें दिखना चाहिए कि मैं कितना संसारिक हूं और मैं कितना आत्मिक हूं। मैं एंड करने जा रहा हूं कि बाइबल वहां पे कहती, क्योंकि उसने उनके लिए एक उत्तम नगर तैयार किया है। यदि पिता ने अब्राम और सारा के लिए एक उत्तम नगर तैयार किया है, क्यों? क्योंकि वो दुनियादारी के देश के अभिलाषी नहीं थे तो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। वैसे यीशु मसीह यूहन्ना 14:1 में कहता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। एक बार जगह तैयार हो गई, एक बार नगर तैयार हो गया, मैं तुम्हें लेने के लिए मध्य आकाश में आता हूं। फिर आप मुर्दा हालात में कब्रिस्तान में हो या जिंदा हालात में आपके कामकाज या घर में हो, मैं तुम्हें महिमा के शरीर के साथ उठा के लेके जाऊंगा। मैं कब्र तोड़कर तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। यदि आप आपके जीवन स्वर्गीय देश के अभिलाषी बोलकर जीते हो या आप आपका जीवन स्वर्गीय देश के अभिलाषी बोलकर खत्म करते हो। आमीन। आइए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इब्रानी 11:16 जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है, वैसे ही आपके भी जीवन का लक्ष्य बन जाए, आपके भी जीवन का एम्बिशन बन जाए, आपके भी जीवन का अंत बन जाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि सच में परमेश्वर ने आपसे मुलाकात की है, निश्चित मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ये गवाहों का बादल ही ऐसा अद्भुत बात है कि जो बातें जिन बातों से कलीसिया अनजान है। और मैं चाहता हूं कि हर एक कलीसिया का व्यक्ति इस बात को जाने और अपने जीवन को बदले। मैं विश्वास करता हूं आजीजो कि आपके जीवन में आज अद्भुत काम हुआ है। परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए। और आप और अधिक वचन को लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेज पर जाइए। राजू ठाकुर, पास्टर राजू ठाकुर JNCC बोल के लिखा हुआ है, आप उस चैनल पर जाइए। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि YouTube से हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम केवल वचन भेजना चाहते। हो सके अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो YouTube का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका शेयर करना किसी के जीवन में एक सही दिशा में आने का कारण बनेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।